हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, इस वीडियो में आप सबको लेकर आए हैं लुगु बुरु घंटावाड़ी। ये गाइस आपका संथालियों का सबसे बड़ा धर्म स्थल है। एंड गाइस, ये आपका पड़ता है बोकारो के गोमिया प्रखंड में ये पड़ता है। एंड गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा लुगु बुरु घंटावाड़ी घुमाने वाला हूँ। एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए गाइस। फिलहाल गाइस अभी लगभग आपका दोपहर का टाइम हो रहा है। एंड पीछे आप लोग देख सकते हैं सारे जितने सारे होटल है सब में लोग खाना पीना खाते हुए नजर आ रहे होंगे। हर साल यहाँ पे दो दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। एंड गाइस, पूरा देश विदेश से संथाल जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे गाइस आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जो फिश का नेट होता है वो भी यहाँ पे मिल रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नेट का क्या दाम है? नेट का दाम 180 रुपए से स्टार्ट है। ये सब जो दिख रहा है गाइस आपको 180 रुपया से यहाँ पे स्टार्ट है। इतना महंगा क्यों है ये? 15,000-20,000? क्योंकि यहाँ हम लोग कहीं है जो भारत में नहीं मिलता है। ये भारत में नहीं मिलता? ये कहाँ का है ये सब जो बाल यहाँ पे रखा हुआ है? जो लाता है अभी वो अफ्रीका साइड से आता है। ये सारा अफ्रीका साइड का है? तो आप मतलब अफ्रीका से मंगा के? नहीं नहीं, हमने वो बाहर डीलर है वो लोग। अच्छा, मतलब ये बाहर का है, आउट ऑफ इंडिया का है। तो गाइस यहाँ पे भैया के पास आउट ऑफ इंडिया का भी प्रोडक्ट है। इतने सारे ये हेयर दिख रहे हैं ना, सारे आपको अफ्रीका साइड के हैं। एंड एक का दाम भाई 5,000 से स्टार्ट ही। यहाँ पे ये सब जो है ना 5,000 से स्टार्ट ही है, 5,000 से लेकर 20,000 तक है। वो वाइट वाला 20,000 का है, ब्लैक वाला 20,000 का है। एंड यहाँ पे आप लोग सींग देख सकते हो, ये यहाँ पे सींग भी यहाँ पे भैया बेच रहे हैं। ये बेचने के लिए है ना? इसका कितना प्राइस है? इसका 2,500। इसका जो प्राइस है गाइस आपका है 2,500। और इसका ये आपका 1,200 का है। यहाँ पे आपको जो तीर होता है, तीर धनुष जो बोलते हैं, वो भी यहाँ पे आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिसका इस्तेमाल आपका शिकार करने में किया जाता है वो यहाँ पे अवेलेबल है बहुत सारा। वो भी ये देख सकते हैं आप लोग कैसे करके दे रहे हैं। 150 रुपये में दो दे रहे हैं। सो इसका जो प्राइस है गाइस आपका 150 रुपया जोड़ा है, 150 में आपको दो को मिलेगा। जो आपको दिख रहा है गाइस इसको बोलते हैं आपका बनम। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी भैया लगा के रखे हैं, यहाँ पे बेच रहे हैं आपका लुगु बुरु में, और उसको शायद बना रहे हैं भैया वहाँ पे। कितना करके है भैया दाम? ये 1,000 रुपये का है। अच्छा, वो सब लाल वाला आपका 1,000 रुपये का है? नारियल वाला, लाल वाला। और ये सब 2,500 का है। सो भैया आपका बता रहे हैं वो सब जो है आपका 1,000 रुपया का है और ये सब आपका 2,500 का है। सो भैया मुझे बजा के दिखा रहे हैं ये वाला 2,500 वाला। एक ये स्पीकर में आपका बजेगा। Thank you.
गया था मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है सुनने में आपका। और यहाँ पे कस्टमर बहुत सारे, मैं शॉप पे ही खड़ा हो गया हूँ आपका। आप भी देख सकते हो आज आपका लास्ट डे है, और यहाँ पे बांसुरी बेच रहे हैं अंकल। ऐसा कुछ यहाँ पे बांसुरी है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। कैसे करके दे रहे हैं अंकल जी बांसुरी? 60 रुपया 70 रुपया 80 रुपया 110 का भी है। 110 का कौन सा, बड़ा वाला है क्या? बड़ा वाला है, इसे खत्म हो गया। तो ये बड़ा वाला आपका 110 का पड़ेगा, बाकी सब 60-70-80 रुपया के रेंज में यहाँ पे है ये सब, जो भी आपको बांसुरी दिख रहा है। इसका क्या नाम है अंकल? सिंगा। ये कैसे बनता है? भैंस का, भैंस का सिंह का आप बनाए हैं? अच्छा, तो इसको बोलते हैं गाइस सिंघा, जो कि भैंस के सिंह का बनाए हैं ये अंकल जी, और इसको बजा रहे हैं। ये कितना का है वैसे? ये 24 सौ। इसका प्राइस है आपका 2400 रुपए। सिंघा नाम है इसका ना। और ये सब क्या पड़ेगा? केंद्री। कितना दाम पड़ेगा इसका, एक बजाइए ना। 600। तो अंकल जी अभी केंद्री जा रहे हैं, अतिथि गण बैठे हुए हैं, बारी बारी से आप सम्मान कीजिए, इनका स्वागत कीजिए। यहाँ पर ये पुष्प को शुभ प्रदान करा है, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। इसका प्राइस आपका पड़ेगा 600 रुपए। बहुत आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज है ये वाला? घोड़ा का चूल है, पूछ। घोड़ा का बाल, चूल पूछ नहीं होता, पूछ का बाल है ना? हाँ, पूछ का बाल है। तो ये आपका घोड़ा का जो होता है ना पूछ, उसका बाल है। तो इसका क्या इस्तेमाल होता है ये हम लोग अंकल से केंद्री में लगता है? किसका? केंद्री में लगता है, केंद्री में। ये जो बजाने वाला बना हुआ ये भी लगता है, उसमें जो बजाने का इस्तेमाल होता है उसमें लगता है ना? हाँ, उसी में लगता है। अच्छा, तो ये घोड़ा का जो बाल है इसका इस्तेमाल उसमें किया जाता है, जो केंद्री है ना जो बजाने वाला, तभी मैंने दिखाया आप लोगों थोड़ी देर पहले, उसमें इस्तेमाल होता है। बाकी ये सब यहाँ पे घुंघरू रखे हैं अंकल, ये जानवर के लिए है ना? जानवर नहीं, आदमी ही पहनता है, आदमी जब नाच होता है कमर पे बांधता है। ओ अच्छा अच्छा, उसमें तो इसको कमर में बांध के डांस करते हैं ट्राइबल में, संथाल करता है, ट्राइबल संथाल में डांस होता है, उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अंकल जी आपका बना रहे हैं जो टोपी है, हैट, वो अपने हाथों से बना रहे हैं, उसमें भी डिजाइन लगा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? कितना का है अंकल ये हैट टोपी? 200 रुपया का है। अपने से बनाया हाथ से ना? कौन सा पत्ता का बनता है ये आपका? जंगल से। कौन सा? जंगल, जंगल से लाए हैं। तो ये जंगल से जो पत्ता होता है, जंगली पत्ता, तो उसका यहाँ पे कितना सुंदर हैट बनाया है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पे भी इतना सारा रखा हुआ है पूरा, यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी पूरा रखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, ऐसा कुछ था ये वीडियो, एंड आई होप आप सबको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।